अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज की रेसिपी है बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपको कुछ झटपट से जल्दी से बनाना है तो ये रेसिपी ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी और हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है ये। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी ये आसान सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का की आसान सी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल में ले लिया है 1/2 कप दही और इसके अंदर हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बेसन को भून लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से और फिर इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं जो कि 1 टीस्पून के ही करीब है। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है हमने, बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स है, हर किसी के घर में ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद में आप इसको मिक्स कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है, मिला लेना है सारे मसाले दही के साथ में, बेसन के साथ में, सारे मसालों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है ताकि कोटिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो ये देखिए इस तरह से ये आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें ऐड कर देना है ये चॉप की हुई प्याज जो मैंने डाइस शेप में चॉप किया है और कैप्सिकम भी मैंने इसी शेप में चॉप किया है। आप चाहें तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसमें इसे चॉप कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम ये वेजिटेबल्स को और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पनीर। पनीर को भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, अगर आप चाहें तो आप इसका भी शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब पनीर ऐड करने के बाद में हमें इसे अच्छे से वापस से मिक्स कर देना है ताकि जो पनीर है वो अच्छे से कोट हो जाए, ये सारा मिक्सचर जो है पनीर के साथ अच्छे से कोट हो जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो बहुत ही क्रंची सा इसका जो फ्लेवर है ना वो आना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए बस, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपको उसको कोट करके 5 से 10 मिनट के लिए इसे रख देना है। तो इधर हमारा जो पनीर है वो मैरिनेशन के लिए उसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है 1/2 टेबलस्पून ऑयल, बहुत ही कम ऑयल इसमें यूज़ होता है। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं जो सारा पनीर जो मैंने मैरिनेट किया था वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे स्क्यूअर्स में लगा कर भी कुक कर सकते हैं, बट मैं आपको बहुत ही बेसिक और आसान और इजी वे में बता रही हूँ। तो इस तरह से आप इसे कुक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, सेम टेस्ट रहेगा, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको बस इसको अलट पलट करके कुक करते जाना है। तो इस तरह से पैन में डाल कर बस आपको इसको फ्लिप करते हुए पका लेना है, हर साइड से आपको इसको अच्छी तरह से पलट पलट के पकाते जाना है बस। और बहुत ही जल्दी ये जो हमारी रेसिपी है ना वो बनकर रेडी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी हो गई। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, एक एक पनीर आप इसे फ्लिप करते जाएं और हर साइड से इसे अच्छे से कुक करते जाएं। तो जब पनीर एक साइड से कुक होने लग जाए तो आप इसको बस अलट पलट के दोनों साइड से कुक करते जाएं। सारा मसाला जो है वो आप देख लें कि कुछ कच्चा तो नहीं रह गया है और इसको इस तरह से चलाते हुए आप बस कुक करते जाएं। पनीर को आप फ्लिप करते जाएं एक साइड से दूसरी साइड, जो साइड बाकी रह गई है उस साइड से आप इसको कुक करते जाएं और बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बहुत है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस ये आसान सी रेसिपी बनकर तैयार है, आप इसे सर्व करें राइस के साथ में, रोटी के साथ में या फिर चपाती के साथ में। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड एन्जॉय दिस वीडियो।